हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेट्स रूल के बारे में। ये ब्रेट्स रूल क्या होता है, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको दिया था, और क्या इसका यूजेस होता है, और कहां कहां पे इसका हमको एप्लीकेशन देखने को मिलता है। सो देखो, ब्रेट्स रूल आपका बोलता है कि अगर कभी आपकी कोई एक जो ब्रिज्ड कंपाउंड्स होते हैं, ब्रिज्ड कंपाउंड्स की यहां पे बात की जा रही है, बाईसाइक्लो में जो ब्रिज्ड कंपाउंड्स होते हैं वहां पे जो ब्रिज हेड्स होते हैं, ये ब्रिज हेड्स में आपको किसी भी केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नहीं देनी होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से क्या मतलब है आपका, कि देखो जो ब्रिज हेड्स होते हैं यहां पे आपका डबल बॉन्ड या फिर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता है, लेकिन अप टू 8 कार्बन की अगर आपकी रिंग मिल रही है वहां पे, तो 8 कार्बन की अगर आपकी 8 कार्बन या उससे लेस की रिंग है तो वहां पे आप बोलते हो कि यहां पे आपका कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखने को नहीं मिलेगा। हां, 8 कार्बन या अगर उससे ज्यादा की आपकी रिंग मिल रही है तो आप उस केस में बोलोगे कि हां, यहां पे आपका क्या हो सकता है, आपका यहां पे पॉजिटिव चार्ज या फिर डबल बॉन्ड आपके ब्रिजेड कार्बन्स पर देखने को मिल सकता है। कैसे और क्या होता है यहां पे, इसके बारे में चलो जरा देखते हैं आज इस वीडियो में। सो देखो, ब्रेट्स रूल क्या बोला, ये एक क्या होता है आपका, एक एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां पे हम बात कर रहे होते हैं ब्रिज्ड कंपाउंड्स के बारे में, जो बोलता है कि डबल बॉन्ड कभी भी ब्रिज हेड्स पर आपका नहीं प्लेस किया जा सकता है जब तक कि आपकी जो रिंग है वो लार्जर ना हो जाए, जब तक कि आपकी जो रिंग है वो आपका लार्ज ना हो जाए। लार्ज रिंग होने से क्या मतलब है, तो जैसे हमने साइक्लोएल्केन्स के बारे में देखा था, तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो थी उसने क्या बोला था, उसने अप टू 5-6 कार्बन के लिए दिया हुआ था उन्होंने, और 6 कार्बन के रिंग में उन्होंने बोला था कि यहां स्ट्रेन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो साइक्लो जो पेंटेन रिंग है वहां पर सबसे लेस स्ट्रेन है, साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है थोड़ा स्ट्रेन बढ़ जाता है। लेकिन सासेमोर थ्योरी ने बोला नहीं नहीं, बेयर स्ट्रेन थ्योरी यहां पर थोड़ी सी रॉन्ग हो रही है, क्योंकि जो सासेमोर थ्योरी ने बोला कि आपका जो सिर्फ आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके जो कार्बन के स्ट्रक्चर्स हैं, रिंग है, ये क्या हो रही है, प्लेनर रिंग्स हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर्स ना होकर के नॉन प्लेनरिटी की ओर जाते हैं, और कैसे, वो डिफरेंट डिफरेंट कन्फॉर्मेशंस में अपने आप को एग्जिबिट करते हैं, जिस वजह से यहां पे आपका स्ट्रेन क्या होता है, बहुत ही लो हो जाता है, और ये स्ट्रेन लो करने की वजह से आपके सभी कार्बन क्या होते हैं, आपके बहुत ही ज्यादा यहां पर आप बात करते हो तो स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन को फॉर्म करते हैं, जिस वजह से यहां पर स्ट्रेन बहुत ही लेस होता है, और वेरियस कन्फॉर्मेशन के बनने से आपका यहां पर क्या हो जाता है, वो आपके कंपाउंड बड़ी स्टेबल हो जाते हैं। सो ये अब आपका बात आई लार्जर रिंग्स में ही क्यों आपका यहां पे प्लेस हो सकता है। सो लार्ज रिंग में होने की वजह से वो ट्रांसफॉर्म बनाए जा सकते हैं, लार्ज रिंग अगर होंगी तो ट्रांसफॉर्म स्ट्रक्चर्स बन सकता है, क्योंकि आपको पता है सिस एल्कीन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी थोड़ी सी लेस स्टेबल होती हैं एज कंपेयर टू ट्रांस एल्कीन से। सो अगर यहां पे लार्ज रिंग्स होंगी तो आपके ट्रांस फॉर्म्स यहां पे पॉसिबली बनाए जा सकते हैं, ट्रांस कन्फॉर्मेशंस आपके बन सकते हैं, और उस केस में आप बोलोगे कि हां, ये आपका एल्कीन थोड़ी ज्यादा स्टेबल हो सकती है, और ये सिर्फ लार्ज रिंग्स में ही पॉसिबल होगा। सो जरा देखो यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। 3 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट आइसोमर्स पॉसिबल बट ओनली वन हैज एवर बीन ऑब्जर्व, ये आप बात की जा रही है नॉरबॉर्निन की। ये आपका जो स्ट्रक्चर है, ये हम बात करते हैं अगर नॉरबॉर्निन की, तो नॉरबॉर्निन जो स्ट्रक्चर है, देखो नॉरबॉर्निन की बात करते हो तो देखो जरा, ये रहा अपने पास, ये तो नॉरबॉर्निन हो गया है, ये देखो जरा यहां पर, ये क्या है आपका नॉरबॉर्निन का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप इसका IUPAC निकालते हो तो क्या आएगा, बाईसाइक्लो 2.2.1 आपका क्या आ जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा, 2.2.1। सो आपका इसका स्ट्रक्चर अगर आप बात करते हो तो 2.2.1 हेप्टेन हो जाएगा, दैट इज बाईसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन, और ये आप लोगों ने ब्रिज हेड कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसको आपने देखा था। ये आपका नॉरबॉर्निन का स्ट्रक्चर है। यहां हम क्या करते हैं, लेट सपोज अगर हम यहां पे अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, और यहां हम एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं, यहां अगर हम एल्कीन का फॉर्मेशन करें, चलिए देखिए जरा यहां पे देखते हैं, ये स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे लेट सपोज हम क्या करते हैं, चलो यहां लगा देते हैं क्लोरीन, लेट सपोज हैलोजन लगा दिया हमने, हमने यहां पे हाइड्रोजन प्लेस कर लिया है, 2 हाइड्रोजन्स इधर भी हमने लगा दिए हैं, और 1 हाइड्रोजन डियर यहां पे भी प्रेजेंट होगा सी फर्स्ट पर भी, ठीक है ना, ब्रिज हेड पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आपसे एक क्वेश्चन हो सकता है कि चलो लेट सपोज क्लोरीन यहां पे क्या करा रहे हो, आप एलिमिनेशन रिएक्शन अप्लाई कर रहे हो, एलिमिनेशन रिएक्शन होने पर हैलोजन क्या होगा, यहां से रिमूव हो रहा है, और एलिमिनेशन हुआ तो यहां पे इस कार्बन पर जो 6th कार्बन है आपका, वहां क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हैलोजन यहां से गया हुआ है।
पॉजिटिव चार्ज आने के बाद आपका यहां पे आपसे हुआ कि कौन सा हाइड्रोजन यहां से इजिली रिमूव किया जा सकता है, या फिर ये हो सकता है कि कौन सा हाइड्रोजन आपका यहां पे ज्यादा एसिडिक इन नेचर है। सो बेस यहां पे आएगा और बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, यहां पे आपका कोई एक हाइड्रोजन रिमूव होने वाला है। सो वही हाइड्रोजन रिमूव होगा जो कि आसानी से यहां से जाने के बाद आपका कंपाउंड एक स्टेबल कंपाउंड की ओर जा रहा हो। तो सोचिए जरा, अगर हम यहां से फर्स्ट कार्बन मींस ब्रिजहेड कार्बन का जो हाइड्रोजन है इसको रिमूव करते हैं तो क्या होगा, यहां पे ये आपका डबल बॉन्ड कहां पे आने वाला है, फर्स्ट और सिक्स्थ कार्बन के बीच में क्लोरीन यहां से, हाइड्रोजन यहां से आएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या ये कंपाउंड स्टेबल होगा? हमने क्या बोला, एट कार्बन से लेस की अगर रिंग है तो वहां पे आपका स्टेबिलिटी नहीं आएगी, डबल बॉन्ड कभी भी ब्रिजहेड्स पर नहीं दिया जा सकता। सो आप बोलेंगे कि ये जो एच हैलेट, सपोज मैं इसको एच वन दे देता हूं और ये अपना एच फाइव है, सो एच वन हाइड्रोजन आपका लेस एसिडिक है एज कंपेयर टू एच फाइव। क्यों? क्योंकि एच फाइव के ये जो है हाइड्रोजन फिफ्थ कार्बन के, ये आसानी से यहां से निकाले जा सकते हैं और ये अगर यहां से निकाले जा सकते हैं तो डबल बॉन्ड आपका सिक्स्थ और फिफ्थ कार्बन के बीच में आ रहा होगा जो कि क्या होगा, ब्रिजहेड पर नहीं है तो वो कंपाउंड आपका स्टेबल है। लेकिन अगर आप बोलते हो फर्स्ट और सिक्स, ये तो बहुत ही हाईली अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। ये आपका यहां पे क्या होता है, आपका ये एलिमिनेशन में आपको यूज देखने को मिलता है, यहां पे डायरेक्ट एप्लीकेशन इसका एलिमिनेशन रिएक्शंस में होता है। नेक्स्ट आपका देखो यहां पे और क्या हुआ, ऐसा क्यों होता है, अगर बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे का, तो सोचिए चलो जरा स्टार्ट करते हैं। अगर हमने बोला कि आपका जो फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन है, मींस जो ब्रिजहेड कार्बन्स हैं, ये क्या हो रहे होंगे, अगर ये आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशंस में आ रहे होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशंस मींस डबल या पॉजिटिव चार्ज, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो ये क्या होंगे, प्लेनर स्ट्रक्चर्स बनेंगे। प्लेनर स्ट्रक्चर्स अगर ये बन रहे होंगे तो प्लेनर स्ट्रक्चर्स बनने के पीछे का आप लॉजिक देखो क्या हुआ, अगर ये स्ट्रक्चर्स प्लेनर हुए तो यहां पे आपका ये क्या होगा, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन नीचे की ओर आएगा। अभी ये क्या है देखो, थोड़ा ऊपर की ओर उठे हुए थे और सेवन तो उससे भी ज्यादा ऊपर था। अब जब आपका क्या होगा, ये प्लेनर स्ट्रक्चर तो ये नीचे आएंगे, फ्लैट सरफेस, फ्लैट बनाना चाहेंगे स्ट्रक्चर, तो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन थोड़ा दूर जाएंगे, नीचे आ रहे हैं तो दूर जाएंगे अब समय और फ्लैट नीचे आपका प्लेनर स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जो सेवेंथ कार्बन है, जैसे आपका फर्स्ट और फोर्थ दूर जा रहे होंगे तो सेवेंथ भी नीचे की ओर आने लगेगा, ये ऐसे गए तो सेवेंथ आपका नीचे की ओर आएगा और आपके इस जो स्ट्रक्चर है, जो नीचे वाली रिंग है, यहां पे आकर के वो क्या होगा, नीचे आकर के चिपक जाएगा, इससे चिपकना चाहेगा, ठीक है ना, नीचे की ओर आ रहा है क्योंकि आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेन, अब सोचो इस रिंग में कितना स्ट्रेन आ रहा है, इस रिंग में बहुत हाई स्ट्रेन आ रहा होगा अगर ऐसा होता है तो इस वजह से यहां पे क्या हुआ, आप कभी भी ब्रिजहेड कार्बन्स पर डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज प्लेस नहीं करेंगे, कभी भी प्लेस नहीं करते हैं अगर आपकी रिंग क्या है, एट कार्बन से कम की है। अगर आपकी रिंग एट कार्बन से कम की है तो उस केस में आपका यहां पर यह चीज आपकी देखने को मिलती है। तो यहां पर देखो क्या हो गया, जब हमने यहां पे नॉरबॉर्निन का स्ट्रक्चर बनाया तो ये तो हमको मिल रहा है, यहां पे देखो क्या हुआ है, ब्रिज हेड कार्बन हमारे ये हैं, इन पे हमने बोला डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है ना, यहां पे तो अपने को डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है ना, इनसे कहीं भी अटैच डबल बॉन्ड नहीं है तो ये हमारा क्या है, हाँ ये तो अपना स्ट्रक्चर नोन है जिसको हम जानते हैं। लेकिन जरा इसको देखो, यहां हमने देखो डबल बॉन्ड ब्रिजहेड कार्बन को दे दिया है, यहां भी हमने डबल बॉन्ड ब्रिजहेड कार्बन पर अप्लाई कर दिया है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा पॉसिबल नहीं है, ये दोनों ही स्ट्रक्चर देखो हमको क्या है, नेवर ऑब्जर्व्ड, ये हमको कभी देखने को नहीं मिलते हैं, ये कभी देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहां पर इस वजह से आपका जो ब्रेट्स रूल है ये आपका एग्जिबिट किया गया, ये आपका अभी एग्जिस्टेंस में आया। जूलियस ब्रेट थे जिन्होंने 1924 में इस रूल को अपना क्या किया था, पेटेंट किया, मींस इसके बारे में बताया। 1902 में क्या हुआ था, इन्होंने इसके बारे में वर्क कर लिया था, रिसर्च कर लिया था, लेकिन जो इन्होंने कंप्लीट किया, जो पब्लिशिंग किया वो 1924 में किया था। नेक्स्ट देखो और बात यहां पर आती है हमारी, क्या हमने बोला था क्या कि ये हमारे ब्रिज्ड कंपाउंड्स के बारे में है, ब्रिज्ड कंपाउंड्स के बारे में है, ठीक है ना, ब्रिज्ड कंपाउंड्स के बारे में है, तो ये स्ट्रक्चर यहां पर ऐसा हो सकता है क्या, ये क्या एक ब्रिज्ड कंपाउंड है क्या? देखो ब्रिज्ड कंपाउंड क्या होते हैं, ब्रिज्ड कंपाउंड मेरा ये होता, अगर हम बात करते इसके ब्रिज्ड कंपाउंड के बारे में बताना होता हमको तो इसका ब्रिज्ड कंपाउंड कुछ ऐसा होता, जहां पे अगर हम ऐसा बनाते तब तो ये ब्रिज्ड कंपाउंड था, लेकिन ये हमने क्या किया हुआ, ये तो फ्यूज्ड कंपाउंड है, ये आपका क्या है, फ्यूज्ड रिंग है, ये फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक रिंग है, ये आपकी
ब्रिज्ड रिंग नहीं है, ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक रिंग नहीं है, तो यहां पे तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये तो आपके नॉन प्लेनर हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये आपका क्या है, प्लेनर भी हो सकते हैं, नॉन प्लेनर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप बात करते हो कैसे कंपाउंड्स की जो कि ब्रिज्ड हेड्स वाले होते हैं, तो इस केस में आपको यहां पर हम अप्लाई नहीं करेंगे, यहां पर इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहां पर हम डबल बॉन्ड दे सकते हैं, लेकिन यहां पर हम डबल बॉन्ड नहीं ला सकते हैं। कब तक हमने बोला, जब तक कोई एक रिंग आपकी जो है मेन रिंग जो आपकी यहां पर होगी, कोई भी आपकी रिंग, वो 8 कार्बन या उससे कम की है, 8 या उससे ज्यादा की है, तो आप बोलोगे कि क्या, हाँ यहां पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज आपको याद रखनी है, आप इसको भी अगर याद नहीं कर सकते तो आप एक याद रखना, समेशन ऑफ, जब आप इसकी नंबरिंग करते हैं, ठीक है ना, मान लो इसका आईयूपीएसी निकालना है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहला काम आपका होता है आप इन ब्रिज हेड्स को आइडेंटिफाई करते हो, ब्रिज हेड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ की रिंग्स आइडेंटिकल है, कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है, तो आप क्या करो, चलो ये 1 हो गया तो ये मैं 2 दे देता हूं, ये 3 हो गया मेरा, ये 4, ये 5 कार्बन हो गया, ये 6 हो गई, फिर क्या हो गया, यहां 7th कार्बन हो गई, 8th कार्बन, 9th कार्बन, 10th, और यहां पे आपका आ गया क्या, 11 हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कार्बन का यहां पे देखो क्या है टोटल, यहां पे स्ट्रक्चर बन रहा है। तो हमने क्या बोला, समेशन ऑफ, आप क्या बोलते हो, इधर की आपकी रिंग में जितने भी कार्बन होते हैं, नंबरिंग, जब आप इसकी नंबरिंग करते हो तो क्या लिखते हो, आप देखो, आप लिखते हो बाईसाइक्लो और आप लिखते हो एक्स डॉट वाई डॉट जेड, यही तो लिखते हो, और उसके बाद क्या लिखते हो, टोटल कार्बन कितने हैं, ठीक है ना। तो आप टोटल यहां पर क्या है, 11 है, तो मैं लिख देता हूं, चलो अनडेकेन कर देते हैं, चलो यहां पे अनडेकेन कर देते हैं। एक्स वाई जेड क्या होते हैं, ये आपके क्या है, ये आपके कार्बन्स होते हैं जो हर ब्रिज पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहां आपका 1, 2, 3, 4 कार्बन्स हैं, 1, 2, 3, 4 कार्बन्स हैं, और ये 1 कार्बन है। सो एक्स वाई जेड की अगर मैं बात करूं तो मैं लिखूंगा 4.4.1, यही चीज तो है ना यहाँ पे। सो अगर आपको एक और चीज अगर नहीं, आप मान लो 8 कार्बन या उसमें कंफ्यूजन होती है तो उसको नहीं याद कर सकते, तो इतना याद रखिएगा, समेशन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या होना चाहिए, ये आपका 9 के इक्वल या फिर इससे अगर ज्यादा है तो आप यहां पे ब्रिज्ड कंपाउंड्स पर, ब्रिज्ड कार्बन पर आप क्या कर सकते हो, डबल बॉन्ड यहां प्लेस कर सकते हो। अगर इन सब का समेशन 9 के इक्वल या फिर उससे ज्यादा आ रहा है, मींस एस की वैल्यू, अगर एस की वैल्यू 9 से ज्यादा या उससे इक्वल आ रही है, तो आप बोलोगे कि यहां पे भी आप क्या कर सकते हो, यहां पे भी आप डबल बॉन्ड ब्रिज्ड कार्बन्स पर दे सकते हो। ये भी अपने आप को क्या करेंगे, वेरियस कन्फिग्रेशन, वेरियस कन्फॉर्मेशन, ट्रांस कन्फिग्रेशन यहां पर बना करके ये स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी रिंग हो जाएंगी यहां पर और आपका ये क्या होगा, स्टेबल हो सकते हैं। सो अगर 8 कार्बन से कम की है तो हमने बोला क्या होगा, वहां पे पॉसिबल नहीं है आपका डबल बॉन्ड देना, कहां पे, आपका ब्रिज्ड कंपाउंड, ब्रिज हेड पर। और अगर 8 कार्बन से इक्वल या उससे बड़ी रिंग आपको मिल रही है तो आप वहां पे ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड प्लेस कर सकते हो, पॉजिटिव चार्ज दे सकते हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आप वहां पे पॉसिबली एग्जिबिट करा सकते हो। यहां अगर आप देखते हो तो 2, 4, 6, 8 और 10, टोटल 10 कार्बन की यहां पर क्या दिख रही है आपको, 10 कार्बन की रिंग मिल रही थी, तो हाँ आप आसानी से यहां पे क्या कर सकते हो, आप यहां पे डबल बॉन्ड ब्रिज हेड्स पर दे सकते हो। मींस अगर हम यहां पे चाहें तो हम यहां पे ये डबल बॉन्ड यहां पे प्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिंग अपने आप को स्टेबल कर लेगी, क्योंकि यहां पे इसके पास क्या है, बड़ी रिंग होने की वजह से वेरियस कन्फॉर्मेशन इसके बनाए जा सकते हैं, आप चाहो तो यहां भी आप प्लेस कर सकते थे। नेक्स्ट बात देखो, यहां पे 2-3 चीजें क्या क्या पता चली, फ्यूज्ड वाले पर ये रूल फॉलो नहीं होता है, फ्यूज्ड में हम कर सकते हैं। जैसे आप सिंपलेस्ट एग्जांपल देखो, एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर है, अब एंथ्रासीन की अगर हम बात करते हैं, ये तो फ्यूज्ड ही है ना, फ्यूज स्ट्रक्चर्स होते हैं 2 बेंजीन का, तो यहां पे देखो, यहां तो आप बोलोगे कि इन दोनों ही फ्यूजन वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड डायरेक्ट दिख रहा है, यहां पे हमको डायरेक्ट डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है, देखो यहां पे तो ये स्टेबल है ही है, ये आपका स्टेबल है, तो फ्यूज्ड वाले में हमको ये रूल नहीं देखने को मिलता, ब्रिज हेड पर हमको ये सिर्फ देखने को मिलता है, ब्रिज्ड कंपाउंड्स पर ही हमको ये सिर्फ देखने को मिलेगा। तो यहां पे क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, देखो इससे रिलेटेड आपको ये होगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन के केस में आपका कौन सा ज्यादा जल्दी हाइड्रोजन यहां प्रोटोन के फॉर्म में रिमूव करेगा, मीन्स एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा हो सकता है, यह आप अप्लाई कर सकते हो यहां पर। अगर 8 कार्बन से लेस की रिंग है तो वहां पर आपका ब्रिज्ड कार्बन से हाइड्रोजन नहीं रिमूव होने वाले हैं, मीन्स वो एसिडिक नहीं होंगे, वो एसिडिक हाइड्रोजन आपके नहीं है। सो ये आपका क्या था, ब्रिट्स रूल था, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ऑल।